मेरा ब्लॉग बहुत ही सुंदर और सुशील दिख रहा है, चलते हैं गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। अनेबल टू रीच योर वेबसाइट, चलो एक बार फिर से अप्लाई करते हैं। यू ऑलरेडी हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, चलिए एक बार फिर से अप्लाई करते हैं। लो वैल्यू कंटेंट एरर, चलिए एक बार फिर से अप्लाई करते हैं। पॉलिसी वायलेशन एरर, चलिए एक बार फिर से अप्लाई करते हैं। कांग्रेचुलेशंस। तो अगर आपको भी ऐसी चार एरर्स पहले से आ चुकी है, चाहे वो अनेबल टू रीच योर वेबसाइट हो, चाहे वो लो वैल्यू कंटेंट की एरर हो, चाहे वो पॉलिसी वायलेशन की एरर हो, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे यू ऑलरेडी हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट की वाली एरर हो, अगर आप इन सबसे परेशान हो चुके हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ब्रांड न्यू वेबसाइट पे आपको एडसेंस का अप्रूवल मिले और आपको भी कुछ ऐसा कांग्रेचुलेशंस का ईमेल आए, तो इस वीडियो में मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। हे गाइस, मेरा नाम है कीर्ति श्रीवास, द फाउंडर ऑफ सुप्रीम कैंपस और ब्लॉगिंग वॉइस, और इस चैनल पर हम ऐसे ही ब्लॉगिंग की प्रीमियम टिप्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर करते रहते हैं। ये हमारे ब्लॉगिंग क्रैश कोर्स सीरीज का एक अनदर एडिशन है। अगर आपने पूरी प्लेलिस्ट को मिस किया है तो ये है वो वीडियो जिसको आप जाके देख सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पर, एक एक एरर को फिक्स करेंगे, और कंटेंट के एंड में मैं आपसे ये भी डिस्कस करूंगा क्या एआई कंटेंट से लिख करके आप एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं या नहीं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। सबसे पहली चीज, अगर आपको ये वाली एरर आ रही है जहां पर सिंपल सा इशू है कि एडसेंस आपकी साइट को कनेक्ट करने की ट्राई कर रहा है लेकिन उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, इसको कैसे फिक्स करना है, उसके लिए सिंपली जब भी आप एडसेंस अकाउंट के इनसाइड में जाएंगे, जब फर्स्ट टाइम आप आपकी साइट को ऐड करेंगे, एग्जांपल के लिए मैं यहां पे ऐड कर देता हूं supremecampus.com एंड देन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। यहां से जो भी आपको एक ऐड कोड जनरेट होगा जो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, इसको आपको कॉपी करना है, आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना है, एक प्लगइन इंस्टॉल करना है जिसका नाम है हेडर फुटर कोड मैनेजर, जो कुछ ऐसा दिखेगा। यहां पर आकर के आपको ऐड न्यू पे करना है, ये वाला पॉइंट पे क्लिक, एंड देन आफ्टर उस कोड को यहां पर पेस्ट करना है। मतलब क्या करना है, आपने आपकी वेबसाइट पे उस कोड को इंस्टॉल किया लेकिन वो कोड आपकी साइट के साथ कनेक्ट नहीं कर पाया, कुछ इस तरीके से। ये करने के बाद आप इसको नाम दे सकते हैं लाइक एडसेंस, एंड देन आफ्टर यहां पे साइट वाइड HTML हेडर एंड नीचे डन। अगर आपने इतना काम कर दिया, गारंटीड आपको वो एरर आपकी साइट से रिमूव हो जाएगी। दैट्स नंबर वन इशू फिक्स्ड। चलिए चलते हैं नंबर टू पे, और ये है यू ऑलरेडी हैव एन एग्जिस्टिंग एडसेंस अकाउंट, इसको कैसे फिक्स किया जाए। सिंपल सॉल्यूशन, अगर आपका एग्जिस्टिंग एडसेंस अकाउंट है, आप उसी में से ऐड न्यू साइट करके यहां पर आपकी नई साइट को ऐड कर देंगे, आपको क्विकली अप्रूवल मिलेगा। अगर ये नहीं है, अगर आप टोटली सेपरेट अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो सेकंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, जहां पर आप एक्चुअली नया एडसेंस अकाउंट बनाना चाहते हैं और पुराने अकाउंट में पुरानी वाली वेबसाइट, उस चीज का एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। आप जो भी नया एडसेंस अकाउंट बनाएंगे उसको कंप्लीटली आपको सेपरेट क्रिएट करना है बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट पेमेंट डिटेल। मतलब क्या है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मान लीजिए ये आपका नया एडसेंस अकाउंट है, आपको सिंपली उसके सेटिंग ऑप्शन में आना है, इसके बाद यहां पर अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आना है, और यहां पे जो भी आपको डिटेल दिख रही है, स्पेसिफिकली ये जो पेमेंट प्रोफाइल है उसके अंदर आपका जो नाम और एड्रेस है आप किसी अदर फैमिली मेंबर्स का दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि एडसेंस एक बंदे को सिर्फ एक एडसेंस अकाउंट प्रोवाइड करने के लिए परमिशन देता है। अगर आपने आप ही के नाम से सेम ईमेल आईडी से या फिर मल्टीपल ईमेल आईडी जिसमें सेम बायोडाटा है उससे अगर दो एडसेंस अकाउंट क्रिएट किए तो आपको ये वाला एरर आएगा। तो अगर आपको इसको फिक्स करना है, ये दो सॉल्यूशन है जो आप गो थ्रू कर सकते हैं। नंबर वन, एग्जिस्टिंग एडसेंस अकाउंट से साइट को अप्लाई कीजिए। नंबर टू, एक नया अकाउंट जिसमें टोटली आपके फैमिली मेंबर के नाम से प्रोफाइल बिल्ड कीजिए। सिंपल एंड क्लियर, होपफुली ये दोनों प्रॉब्लम आपकी फिक्स हो चुकी है। अभी बारी आती है रिमेनिंग दो प्रॉब्लम्स, और ये है सबसे पहले चीज पॉलिसी वायलेशन एंड नंबर टू लो वैल्यू कंटेंट। अगर आपको इन दोनों में से मेजर एरर्स आएगी बिगिनर्स को, इसको कैसे फिक्स करना है, और यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं 6 से 7 पॉइंटर्स, और स्टेप बाय स्टेप आप इसको फॉलो करना है, आपको गारंटेड रिजल्ट्स मिलेंगे। सो कौन कौन से है? सबसे पहले वन पॉइंट, और वो है आपकी वेबसाइट मोबाइल और डेस्कटॉप के लिए वेल ऑप्टिमाइज होनी चाहिए विद प्रॉपर लोडिंग स्पीड। कैसे पता लगाएं? एग्जाम्पल के लिए bloggingwise.com, इस साइट को अगर आप मोबाइल विंडो में ओपन करेंगे तो साइट प्रॉपरली ऑप्टिमाइज होकर के मोबाइल फॉर्मेट में चेंज हो जाएगी। इसका मतलब AMP में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल से चीज एक ऐसे थीम को यूज कीजिए जो ये आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। वेल, ये थीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में भी मिल सकती है, और वो पता लगाने के लिए आप bloggingwise.com पे आकर के क्लिक हियर टू क्लेम पे क्लिक कीजिए। अगर आप एलिजिबल है वो थीम आपको फ्री में भी मिल जाएगी। तो समझ में आ गया, सबसे पहले चीज आपकी जो थीम है जो आप यूज करने वाले वो लाइट वेट हो और प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड हो। दूसरी चीज, आपका वेबसाइट योर
मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं है, अगर आपको इसको चेक करना है, आप सिंपली डोमेन नेम को कॉपी कर सकते हैं, ब्लॉगिंग होस्ट पे आने के बाद एसईओ टूल्स पे क्लिक कर सकते हैं, और वहां पर जो सबसे पहला टूल है वेबसाइट एसईओ ऑडिट, उस पर क्लिक कर सकते हैं, एंड देन आफ्टर आप यहां पर आपके डोमेन नेम से सबमिट कीजिए। यह टूल आपको हेल्प करेगा यह बताने में कि आपकी साइट मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं है। सिंपल सी चीज, ये फर्स्ट टाइम स्कैनिंग में लिटिल बिट टाइम लेगा, एंड देन आप उसको स्क्रॉल करके एट द बॉटम में आकर के चेक कर सकते हैं आपकी वेबसाइट पे अगर मोबाइल व्यू यहां पर परफेक्टली दिख रहा है, दैट मींस कि आपकी साइट मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड है। नंबर वन डन। अभी बारी आती है नंबर टू, और ये होता है गाइस आपकी साइट पे मेक श्योर करना है कि जहां तक हो सके आपको कस्टम डोमेन परचेस करना है। इसका मीनिंग क्या है, मान लीजिए मेरी साइट है mrvsidea.com, हो सकता है अगर मेरी कोई कस्टम डोमेन नहीं होता तो इसका डोमेन कुछ ऐसा हो सकता था, जैसे कि आपका ब्लॉगस्पॉट में रहता है, राइट, blogspot.com, इसको कह सकते हैं आप सब डोमेन, मतलब प्राइमरी डोमेन किसी और का है, आपने उस पर आपका कीवर्ड ऐड करके एक सब डोमेन परचेस किया, इन्वेस्टमेंट जीरो किया है। तो सबसे पहले चीज, आपको एक कस्टम डोमेन परचेस करना है ताकि आपकी साइट लेजिट लगे, क्लियर। और उसके साथ में आपको यह इंश्योर करना है कि आपकी साइट पे HTTPS इंस्टॉल होना चाहिए। HTTPS कैसे इंस्टॉल होगा, जो भी होस्टिंग आप परचेस करने वाले हैं वो या तो आपको ये फ्री में इंस्टॉलेशन देंगे, अदरवाइज आपकी साइट को आप क्लाउड फ्लेयर से कनेक्ट करके भी HTTPS को इंस्टॉल कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, कैसे क्लाउड फ्लेयर को सेटअप किया जाए। तो यह नंबर टू चेक्स जो कि है कस्टम डोमेन विद HTTPS। अभी और उससे निकल के आता है गाइस नंबर थ्री पॉइंट, जो कि है आपकी साइट पे प्रॉपरली मेन्यूज को ऑप्टिमाइज करना है। इसका मीनिंग क्या, एग्जांपल के लिए ब्लॉगिंग होस्ट पे आपको दिख रहा है मेरी सारी कैटेगरी प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड है, अगर आपको एडसेंस का कंटेंट देखना है आप यहां से आकर के एडसेंस पे क्लिक करेंगे, एडसेंस रिलेटेड कंटेंट आपको दिखेगा, वर्डप्रेस रिलेटेड आप यहां से आकर के होस्टिंग और थीम रिलेटेड कंटेंट देख सकते हैं, अनदर वेबसाइट mrvsidea, यहां पर हर कैटेगरी को मैंने सेपरेट आउट किया हुआ है विदाउट एनी क्लचर। यहां पर आप साउंड प्रूफ आइडिया में आके देख सकते हैं, चाहे टिप्स हो, गैरेज हो, होम इंप्रूवमेंट हो, हर कैटेगरी को प्रॉपरली डिवाइड किया हुआ है। तो ये स्टेप आपको 100% क्लियर करना है आपकी साइट पे प्रॉपरली मेन्यू ऑप्टिमाइज्ड और कैटेगराइज्ड हो, ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। यहां तक क्लियर, अभी बारी आती है नेक्स्ट वाला स्टेप, और वो है आपकी साइट पे कुछ मैंडेटरी पेजेस होने चाहिए। वो मैंडेटरी पेजेस क्या है, आप कितने भी पेजेस डाउनलोड और इंस्टॉल कर लो, लेकिन एक पेज जो सबसे ज्यादा मैंडेटरी है गाइस, और वो जब भी मान लीजिए कि मैं इस पोस्ट को ओपन करता हूं, उस पोस्ट को ओपन करने के बाद या फिर आपकी साइट के एट द बॉटम के अंदर आपको कुछ इस तरीके के मैंडेटरी पेजेस होने चाहिए। उसमें से प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस प्राइवेसी पॉलिसी के पेज के अंदर एक क्राइटेरिया मैंडेटरी होना चाहिए, और वो क्या है, एडवर्टाइजमेंट। सो इंश्योर करना है ये वाला सेक्शन आपके प्राइवेसी पॉलिसी पेज में भी होना चाहिए, अगर आपको नहीं मिल रहा है आप सिंपली इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये है गाइस एडवर्टाइजमेंट का सेक्शन अंडर प्राइवेसी पॉलिसी, और ये पेज होना आपकी साइट पे कंपलसरी है। इसके अलावा कुछ एडिशनल पेजेस आप रख सकते हैं, जैसे कि कॉन्टेक्टर्स मैंडेटरी है, डिस्क्लोजर मैंडेटरी है, प्राइवेसी पॉलिसी मोस्ट मैंडेटरी है। तो दीज आर द कपल ऑफ पेजेस जो आपकी साइट पे डेफिनेटली होने चाहिए अगर आपको क्विक फास्ट अप्रूवल चाहिए। क्लियर, नीट एंड क्लीन। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपकी साइट पे कितना कंटेंट होना चाहिए, क्या जीरो कंटेंट से एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, गारंटी तो नहीं है कि मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट 99% नहीं मिलेगा अगर आपकी साइट पे जीरो कंटेंट है। उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका सॉल्यूशन है गाइस आपको एटलीस्ट आपकी वेबसाइट पे मिनिमम 20 ब्लॉग पोस्ट को पब्लिश करना है, और हर एक ब्लॉग पोस्ट की मिनिमम लेंथ आप 1500 से 2000 वर्ड के बीच में रखिए। क्या ये मैंडेटरी है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन एडसेंस को अप्लाई करने के बाद भगवान की पूजा करने से तो बेटर है कि आप वो एक्टिविटीज फुलफिल कर दीजिए ताकि एटलीस्ट आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन और अप्रूवल विल बी वेरी हायर। तो अगर आपको ये वाला ईमेल चाहिए, मेरा रिकमेंडेशन है आप मिनिमम 20 ब्लॉग पोस्ट विद मिनिमम लेंथ ऑफ 1000 टू 1500 वर्ड डेफिनेटली आपकी साइट पे रखिएगा। अभी नंबर 7, और ये जो है आपकी वेबसाइट को आपको दो अलग अलग वेबसाइट से कनेक्ट करना है। कौन कौन सी है, सबसे पहली चीज आपको गूगल एनालिटिक्स जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है वहां पर आपकी साइट को कनेक्ट करना है, और नंबर 2 आपको सर्च कंसोल जो कुछ इस तरीके से दिखता है वहां पर आपकी साइट पे भी आपको कनेक्ट करना है। क्यों, एनालिटिक्स गूगल का प्रोडक्ट है, सर्च कंसोल गूगल का प्रोडक्ट है, आपकी साइट लेजिट है नहीं है, उस पर कितना ट्रैफिक आ रहा है, उस पर क्या ट्रैकिंग हो रही है, ये सारा डेटा इन दोनों प्लेटफॉर्म पे ऑटोमेटिकली कैप्चर्ड होता है। तो ये एक रियल टाइम गुड फीलिंग देता है गूगल एडसेंस को भी कि ये साइट एडसेंस के अप्रूवल के लायक है। तो ये दो अननोन फैक्टर्स है जिसपे आप डेफिनेटली काम कीजिएगा, एंड होपफुली आपको विद इन 24 आवर्स ये वाला ईमेल आ जाएगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल वो है AI कंटेंट, अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई कंटेंट लिख रखा है तो क्या उस पर आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैंने इसको ट्राई किया है बट द रिजल्ट इज जीरो, पॉलिसी वायलेशन, इधर लो वैल्यू कंटेंट या फिर कुछ और
एरर आएगा, लेकिन ये तो कभी नहीं आ सकता है। तो मेक श्योर आपको इस तरीके का कंटेंट पब्लिश नहीं करना है, अदरवाइज आज नहीं तो कल एडसेंस अगर अप्रूव भी हो जाता है तो बैन हो जाएगा। होपफुली आपको आज के वीडियो के अंदर वो सारी मैसिव इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप मिली होगी। ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस फ्यूचर में आते रहेंगे, सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बने रहिए मेरे साथ ताकि ऐसे ही प्रीमियम कंटेंट आपको मैं फ्री में शेयर करता रहूं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।